मनीषा भाभी, कल बात हुई हमारी गुड्डी से, मना लिया है उसे। उसको बताया हमने कि आपने इतने रिश्ते कराए हैं और सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो उसने भी कह दिया कि ठीक है, कोशिश करेगी। हम का कह रहे हैं ना मनीषा भाभी कि आज आप आ जाइए कुछ अच्छे रिश्ते लायक लड़कों की फोटो वगैरह लेके। ठीक है, कुछ करते हैं अपनी बिटिया के लिए। लेकिन तुम भी राधिका को थोड़ा समझाओ। वो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज कितना जरूर करेगी ना, वो जरूर करेगी, पक्का करेगी। ठीक है ठीक है। काफी अप्स एंड डाउन्स रहे आपके साथ। फूड ऐप एक्सेलेंट, गो ऑफ साइट हॉरिबल, CSR प्रोजेक्ट गुड वर्क, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ। सॉरी, पर्सनल क्राइसिस होती रहती है आपके साथ। इतना अच्छा CSR आइडिया होने के बाद भी जापान टीम पे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं गया। कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हें राधिका, टॉप पे पहुंचने के लिए एक्सीलेंस चाहिए और वहां बने रहने के लिए कंसिस्टेंसी। ट्रेनिंग आदि खत्म हो चुकी है और अभी तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं तुम्हें कह सकूं कि ACS 360 को तुम्हारी जरूरत है। अब सिर्फ 2 ट्रेनीज की जॉब कन्फर्म होगी, एक भी गलती और हुई तो ACS में तुम्हारी जर्नी का दी एंड हो जाएगा। नहीं, हम 100 नहीं 200% देंगे, पर 200% इस फ्रेज का कोई मैथमेटिकल सेंस ही नहीं है। आप एक इंजीनियर हो, पर्सनल क्राइसिस को पर्सनल रखना सीखो, उसे डिस्ट्रैक्ट होके प्रोफेशनल लाइफ पे असर मत होने दिया करो। या ये देखो, एकदम फिट लड़का है, दिख रहा है ना, और गुड लुकिंग भी। वेज है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए अंडे खाता है। का? अंडा? हाँ, अब देखो ऐसी बॉडी है, प्रोटीन तो जरूरी होता है ना, इसीलिए। नहीं नहीं मनीषा, तुम कोई दूसरा दिखाओ। अच्छा, है ना, ये देखिए इसका ईयरली पैकेज, सुनोगे ना तो आपका कैलकुलेटर भी फेल है, कम पड़ जाएगा। और पता है कंपनी वाले 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रहे इसे। तो खा गुड्डी को 2 साल के लाने ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, ये क्यों जाएगी, ये तो यही रहेगी ना, ससुराल तो बोरीवली में है, लड़का अकेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हम क्या यहाँ रह के चौकीदारी करेंगे? बिटिया, बताया तो था ना कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट, है ना। कोई और? देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिखाती हूँ। ये देखो, है ना हैंडसम। मम्मी आप ही पसंद कर लो। जे वाला? ये तो हीरा है हीरा, लेकिन देखो रिश्ता बन रहा है ना, झूठ नहीं बोल सकती, मतलब कुछ चीज छुपा नहीं सकती है। इसकी एक एंगेजमेंट होके टूटी है। हाय हाय, का है? अरे ऑफिस में चक्कर चल रहा था, बात खुल गई ना। अरे लेकिन इस बात को 1 साल हो गया है, अब ये बहुत सुधर गया है। मम्मी ये कह रही है अब सुधर गया लड़का, आपको अगर सही लग रहा है तो आप बता दीजिए, हम इसे ही मिल लेंगे। कोई और? ये लड़का अंधेरे में रहता है, इसका एक क्लाइंट अमेरिका में है, तो वो होता है ना अमेरिका में दिन तो यहाँ पे रात, यहाँ पे रात तो वहाँ पे दिन, बस इसकी ना नाइट शिफ्ट चलती है। इसका मतलब जब गुड्डी ऑफिस से घर पहुंचेगी तो ये ड्यूटी के लिए निकलेगा। हाँ, तुम मिलेंगे कब पति पत्नी आपस में? ऐसे ही आते जाते। मम्मी आप ही डिसाइड कर लो आपको कौन सा दामाद पसंद है। हमें तो कोई पसंद नहीं है। अरे डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट के लिए रेडी हो गई हो, हाँ? लेकिन तुम्हारे हाव भाव से तो लग नहीं रहा है कि कोई लड़का तुम्हें पसंद भी आ रहा है या नहीं। देखो ये लड़कों को भी तो तुम पसंद आनी चाहिए ना। नहीं मतलब ये लड़के तुमसे मिलने के लिए तैयार हो रहे तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। वैसे तो हूर की परी तुम भी नहीं हो। ये का बकवास कर रहे हो मनीषा भाभी, हमारी गुड्डी के लाने। समझौता अलग बात है, लेकिन समझौते को रिश्ते का आधार तो नहीं बनाया जा सकता। उल्टी आ तो है गुड्डी को अंडे की महक से भी, और वो लड़का रोज गुड्डी से अंडे उबाल निकले कहेगा। और दूसरा लड़का, आप कह रहे हो कि सुधर गए, अगर शादी के बाद पता चला कि वो नहीं सुधरा तो? किसी की नियत की कोई गारंटी नहीं होती हम समझते, पर जहाँ धरती कमजोर हो वहाँ जानबूझ के धकेला तो नहीं जा सकता ना अपनी बेटी को दसने के लाने। और तीसरा, इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 2 साल के लाने, हमें ना भेजना है अपनी गुड्डी को इतनी दूर, और ना ही पति के बिना यहाँ अकेले रहने देना है। और पांचवा, रात की ड्यूटी करेगा, हमारी गुड्डी दिन में ऑफिस जाएगी,
ये रिश्ता तो समझौता नहीं, मजबूरी बन जाएगा। और हम शादी करा रहे हैं, शादी की औपचारिकता नहीं। सुमन हल्के हाथ से। और है हमारी गुड्डी हुर की परी, सकल सूरत सीरत सबसे। हमारे लाने हमारी गुड्डी दुनिया की सबसे लायक काबिल और खूबसूरत लड़की है। अरे इंजीनियरिंग में टॉप की है, इतनी अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे है। दिल की साफ है, नियत की नेक है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को आबाद कर देगी। जिस लड़के से भी उसकी शादी होगी वो दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का होगा। और जो लड़के जो हमारी गुड्डी से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं ना, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसी किसी से भी शादी करके निपटारा नहीं करना हमको हमारी बेटी का। आपने कोशिश की, आपका धन्यवाद। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं हमारी बेटी को, तो रिश्ते भी आप हल्के ही लाएंगी। आप रहने दीजिए। नहीं चाहिए, आप कीजिए। अरे सुमन, सुमन तुम तो गुस्सा हो गई, नाराज मत हो। हम तो कह ही रहे हैं ना कि हूर की परी थोरियों है। ये बहुत प्यारी बच्ची है ये, और हम तो कहने ही वाले थे कि इसकी नजर उतारे। अरे किसी की नजर ना लगे इसे, देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है। एक्सक्यूज मी, ये आपका पेपर गिर गया है। अरे थैंक यू सो मच, रिव्यू शीट है हमारी। रिव्यू शीट? अरे बाप रे, इसका खौफ तो कुछ अलग ही होता है। थैंक यू। एनीवेज डेवलपमेंट में हो? जी ट्रेनिंग। ओह वाओ, हाय आई एम ऋतिक, प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टिंग। हाय राधिका, आप तो सीनियर है हमारे। मतलब कर दी ना आपने इंजीनियर वाली बात। हाँ मतलब डिपार्टमेंट अलग है, आप डेवलपमेंट में है, मैं कंसल्टिंग में हूँ, तो फिर कैसा सीनियर? हाँ मतलब डेजिग्नेशन के हिसाब से मैं आपका सीनियर जरूर हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए ऐसे कोई सीनियर सिटीजन भी नहीं लगता। नहीं नहीं, हमारा भी डेजिग्नेशन से ही मतलब था। एनीवेज ऑल द बेस्ट आपके आगे के रिव्यूज के लिए। थैंक यू। फंक्शन? या देखिए ना, इतनी देर से टैक्सी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, टैक्सी नहीं मिल रही। कैब बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, कैब बुक नहीं हो रही है। मुझे बसोबा पहुंचना है 8:30 तक और मैं लेट होने वाला हूँ। मम्मी? जी मॉम। हाँ मॉम, वक्त पे पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप टेंशन लेते हो, आपका बीपी बढ़ जाता है। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा। ओके एक्चुअली अभी काफी पीक ट्रैफिक आ रहा है और हम भी वर्सोवा ही जा रहे हैं किसी से मिलने, आप चाहे तो। आर यू श्योर? मतलब आप कंफर्टेबल रहेंगी? जी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, कोलीग्स हैं, आप चल लीजिए साथ में। थैंक यू वेरी मच, आज मॉम की मार से बचा लिया तुमने। बस आ ही रही है कैब। वैसे बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया है, यू नो, आप सर्वाइव कर गई, कांग्रेचुलेशंस। बस कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की, एसीएस में भी और मुंबई में भी। बस अब आपकी लाइफ सेट है, जो यहाँ सर्वाइव कर गया ना वो दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। आ गई कैब। क्या बात कर रहे हैं? अरे सीरियसली, वीर इज अ बडी। इनफैक्ट वीर और मैं प्रियल को टीज करते थे कि ट्रेनिंग्स को ना हल्के हाथ से संभालना चाहिए, वरना भाग जाएंगे बेचारे, डर जाएंगे। आपने प्रियल को इतना कहा, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, मैं बस वीर के कंधे पर बंदूक रख के चलाता था। नाइस। या नाइस, रिव्यू स्कोर 4, नॉट बैड। हाँ वैसे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ। सच में? मतलब आप तो कब से सिस्टम का हिस्सा है, आपकी टिप्स तो बहुत सॉलिड होंगी। आई मीन डिपार्टमेंट अलग है, एक्सपर्टीज अलग है, पर एसीएस में टिकने का हर डिपार्टमेंट में तरीका सेम है। ये जॉब हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, हमें तो टिकना ही है किसी भी हालत में, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। गुड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपका जॉब आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करना चाहिए। वैसे तुम कहाँ से हो? झांसी से। ओ। हम हमारे कॉलेज के टॉपर हैं। ओ वाओ। सॉरी शेख ही नहीं झाड़ रहे थे, ऐसे ही। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, आई मीन अगर टॉपर हैं तो हैं,
बताना किसी को, इट्स अ प्राउड मोमेंट. थैंक यू. या वैसे मैंने सुना है कि झांसी में चाट और समोसे बड़े मजेदार मिलते हैं. हाँ, लेकिन हमारी दुकान की सबसे ज्यादा अच्छी होती है. वेट, क्या कह रही हो? सीरियसली, मतलब अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के अपने एम, अपने एम्बिशन के लिए पहले इंजीनियरिंग, फिर ACS. वाओ, कमेंडेबल, रिस्पेक्ट. यू नो, मुझे अच्छे लगते हैं वैसे लोग जिनका कोई एम होता है, सपने होते हैं. मेरा भी एक सपना है, अपनी खुद की टेक कंपनी खड़ी करने का, जिसका CEO मैं रहूंगा और जिसके हेडक्वार्टर्स ना लखनऊ में रहेंगे. आप लखनऊ से हैं? जी. वैसे इफ यू डोंट माइंड, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? या फिर कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, वो तो ऐसे ही बस जा रहे किसी से मिलने. अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? सच बताऊँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना चाहता था, बट मम्मी ने कॉल किया और अब किसी से मिलने बोल रही हैं. माँ तो माँ होती हैं. आप प्लीज. हाँ मम्मी. हाँ, बस पहुँचने ही वाले हैं. हाँ, भेज दो, पता तो चलेगी किससे मिलना है. हाँ ठीक है. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.